नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को। स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल फैंटेसी मोनिका विनर में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भाई प्रेम मंदिर को लेके बहुत आ रहे थे कि भाई आप प्रेम मंदिर आप गए तो आपने अपना अनुभव नहीं बताया। वीडियो तो हमने डाल दिया था लेकिन जो अनुभव था वहाँ का वो हमने नहीं बताया था। ठीक है, तो अनुभव के बारे में बात करें तो दोस्तों बहुत ही अच्छा मंदिर है। ठीक है, देखने लायक है। और भगवान कृष्ण ने जो भी रासलीला की थी वो सारी वहाँ पे, वही नाग देवता जो भी गोवर्धन पर्वत उंगली पे उठाया हुआ, वो सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। जो मूर्ति है, जो मंदिर, मंदिर की तो क्या ही बात बोले रहे। ऐसा मंदिर में आज तक अपनी लाइफ में कहीं भी और कभी भी नहीं देखा। ठीक है, जिस लाइफ में पहली बार देखा था ऐसा मंदिर, जो वास्तव में यार मतलब देखते के साथ में मन करता है कि हाँ यार ये कोई चीज़ है, कोई मंदिर है। और भाई जो भी अगर बात करें तो बाहर से आने वाले सदस्यों के लिए जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो पड़ता है मथुरा का। और मथुरा रेलवे स्टेशन नज़दीक पड़ता है। मथुरा रेलवे स्टेशन से तो वे मंदिर की दूरी है जो बीच में, ये कम से कम 11 से 12 किलोमीटर दूर पड़ता है। मथुरा से ये दूरी पड़ती है 12 किलोमीटर की। बीच में आपको वृंदावन में मंदिर स्थित है। ठीक है, तो वहाँ पे दोस्तों आप बस या टेम्पो से भी जा सकते हैं, उसे आपके बजट के हिसाब से हैं। क्योंकि यहाँ पे आप अपना खुद की पर्सनली अगर गाड़ी व्हीकल टू व्हीलर फोर व्हीलर कुछ भी लेके आते हैं तो दोस्तों यहाँ पे मंदिर के जस्ट सामने वाले रोड पे वहीं पे आपको पार्किंग की व्यवस्था भी देखने को मिलेगी। सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी बात करें अलग से अगर मंदिर में क्या देखना चाहिए, तो कोई मंदिर में आते हैं तो आप नाइट में जरूर रुके। यहाँ पे नाइट का जो व्यू होता है, जो फोक लाइट चलती है पानी में, जो फोक लाइट चलती है मंदिर पे, जो हर 15 सेकंड में जो लाइटें चेंज होती है, ये दृश्य दोस्तों देखने का बहुत ही ज़्यादा दृश्य देखने का होता है। ठीक है, क्योंकि मैं इस वीडियो को कैमरे में शूट नहीं कर सका क्योंकि उस समय मेरा मोबाइल था जो बंद हो चुका था और ये वीडियो मैं शूट नहीं कर सका था। बाकी ये वीडियो मैं अपने चैनल पर जरूर डालता लेकिन बंद हो जाने की वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर सका। बाकी भाई अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा। बाकी गए और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि यार लोग बुरे हैं, आपके गलत व्यवहार करते हैं, बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं। और मैं रुका भी था मथुरा में, मीटअप भी किया था। मेरे को वहाँ पे 3-4 लोग अपने चैनल के सदस्य भी आए थे, जो उनके साथ में ही मैं घूमा था। तो उम्मीद है कि यार आप भी अच्छे से समझे होंगे और आप भी अगर कोई भी चीज़ का भी डाउट है तो आप मुझे कर सकते हैं। बाकी मथुरा रेलवे स्टेशन को मैंने बता दिया कि जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है अपने भारत का भी और उत्तर प्रदेश का भी। बाकी वहाँ से आप कहीं किसी भी स्टेट की ट्रेन पकड़ के आ सकते हैं या जा सकते हैं, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी वहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था सब कुछ, आपको होटल वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर आप गाड़ी से आते हैं, 4 पहिया, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, तो फिर गाड़ियों की पार्किंग की भी अलग से व्यवस्था वहाँ पर की गई है। ठीक है, मिलते जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।